नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ए होम्योपैथ पर। मैं हूं डॉक्टर रवि रोशन और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं साथियों बोगर्स बोनिंग हॉसन्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रेपर्टरी पर, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में बीवीसीआर भी कहते हैं। क्वेश्चन में हो सकता है आपसे बीवीसीआर करके पूछा जाए, एक्सप्लेन बीवीसीआर, गिव डिमेरिट्स एंड मेरिट्स ऑफ बीवीसीआर, इस तरीका से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बीवीसीआर कहने का मतलब है बोगर्स बोनिंग हॉसन्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रेपर्टरी। इसको आप याद रखेंगे तो आप बहुत कुछ लिख पाएंगे। बस ये बीवीसीआर का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम दोस्तों बात करेंगे बीवीसीआर के हिस्ट्री, सोर्सेज, फिलोसफिकल बैकग्राउंड किस पर बेस्ड है, टोटैलिटी ऑफ सिम्टम्स जो बोगर्स कॉन्सेप्ट है उस पर, इसके क्या क्या चैप्टर्स दिए गए हैं रिस्क रिपोर्टरी में, और इसके मेरिट्स डिमेरिट्स पे। तो साथियों सबसे पहले हम आते हैं इसके हिस्ट्री पे। हिस्ट्री कहने का मतलब है कि इसके बारे में क्या, ये बोगर साहब को क्या लगा, क्यों उन्होंने इसको लिखना चाहा, कैसे कैसे इसको बनाया, क्या उनके दिमाग में आया, बस इन सब सारे बातों के बारे में चर्चा करेंगे साथियों। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बोनिंगहॉसन साहब का जो थेरापेटिक पॉकेट बुक था वो अपने समय का काफी चर्चित और काफी फेमस रेपर्टरी रहा है। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब केंट रेपर्टरी आने के बाद, केंट साहब ने जब अपना रेपर्टरी दिया तो फिर उसका वैल्यू थोड़ा सा धीरे धीरे घटने लगा। उसका कारण था केंट का रेपर्टरी थोड़ा सा वास्ट होना, लेकिन उसका भी एक अलग थीसिस था, अलग समस्या था। जैसे कि बोनिंगहॉसन साहब ग्रांड जनरलाइजेशन पे ज्यादा फोकस करते हैं, उनका मानना है ग्रांड जनरलाइजेशन। उसी तरीका से केंट साहब जो हैं उनका सबसे ज्यादा फोकस रहता है कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स पे, पिक्युलैरिटी पे। तो बोगर साहब को लगा कि इन दोनों को नहीं, इन दोनों को ले करके कुछ नया होना चाहिए, कुछ सॉलिड होना चाहिए। जो मैंने, उन्होंने काम किया इस दोनों रेपर्टरी के बीच में एक तरह का ब्रिज बनाने का, एक तरह का पुल बनाने का, कि इस दोनों के ज्ञान को हम एक जगह रखें। उसके बाद उनका खुद का जो रिसर्च था, सब कुछ था, वो सबको मिला करके उन्होंने इसको बनाने का सोचा। इसमें से वो बोनिंगहॉसन साहब से ज्यादा प्रेरित थे। इसका कारण क्या था कि बोनिंगहॉसन साहब का जो पूरा प्लान और स्ट्रक्चर था और उनका जो तरीका जो था वो उनको हैनीमैन साहब से सदृश लगता था। उनको लगता था कि बोनिंगहॉसन साहब का जो तरीका है वो ज्यादा सटीक है, बोनिंगहॉसन साहब का जो तरीका है वो हैनीमैन साहब से ज्यादा मिलता है, जिसके वजह से बोगर साहब ने बोनिंगहॉसन साहब के रेपर्टरी को, थेरापेटिक पॉकेट बुक को ज्यादा लेकर के चलने का कोशिश किया। साथ में उन्होंने केंट से भी बहुत सारी जानकारियां निकाली, साथ में और भी जगहों से उन्होंने जानकारियां निकाली। अगर हम सोर्सेज की बात करें कि इस बोगर्स बोनिंगहॉसन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रेपर्टरी की सोर्सेज क्या है, तो सोर्सेज में दोस्तों आता है द पॉकेट बुक, द एप्सोरिक एंड द एंटीसोरिक रेपर्टरीज, द साइड्स ऑफ द बॉडी, द रेपर्टरी पार्ट ऑफ द इंटरमिटेंट फीवर, हुपिंग कफ, अ लार्ज नंबर ऑफ पैराग्राफ्स फ्रॉम द एफोरिज्म ऑफ हिप्पोक्रेट्स। अब हिप्पोक्रेट्स सोच करके समझ में नहीं आता, हिप्पोक्रेट्स आप जानते होंगे कि बहुत पुराने, लगभग समझिए कि 400 BCE के समय के दार्शनिक रहे हैं और चिकित्सक रहे हैं, उस जमाने के फिजिशियन रहे हैं, और उन्होंने अपना बहुत सारा एफोरिज्म दिया है। जैसे कि आप जानते हैं हैनीमैन साहब ने अपना एफोरिज्म दिया है आर्गिनन ऑफ मेडिसिन, उसी तरीका से उन्होंने अपना एफोरिज्म्स दिए थे। उनके पैराग्राफ्स को, बहुत सारे पैराग्राफ्स को यूज किया है इन्होंने, बोगर साहब ने, इस रेपर्टरी को बनाने के लिए। उसके बाद आता है प्रॉपरली डेजिग्नेटेड एडिशंस, मतलब कि उन्होंने बहुत सोच समझ करके और खास करके कि रोजमर्रा की जिंदगी में या प्रैक्टिस करने में जो जो समस्याएं आती हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस रिपोर्टरी को बनाया है। उनमें जो त्रुटियां, जो कमी उनको महसूस होती गई, उन सबको अलग करते हुए इस रिपोर्टरी को उन्होंने बनाया है। अब इसके फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड पे अगर हम आते हैं दोस्तों, तो फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड की बात की जाए तो बोगर साहब ने अपने ही जो उनकी मेडिसिन थी, मेडिसिन ऑफ एंटीसोरिक्स करके, उसको कंसीडर किया है काफी हद तक। उसके बाद इन्होंने इसमें क्या चेंजेस किया है कि बहुत सारे अलग अलग चैप्टर्स, रूब्रिक्स, मेडिसिन सबको इन्होंने ऐड किया है। खास करके हर चैप्टर के लास्ट में एग्रेवेशन और एम्यूलोरेशन का चैप्टर डिटेल थोड़ा सा करने का कोशिश किया है उन्होंने। अगर मोटा मोटी इसके फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड की बात की जाए दोस्तों, तो डॉक्ट्राइन ऑफ कंप्लीट सिम्टम, डॉक्ट्राइन ऑफ पैथोलॉजिकल जनरल, डॉक्ट्राइन ऑफ कॉजेशन एंड टाइम, क्लिनिकल रूब्रिक्स, कंकॉर्डेंसेज और ग्रेडेशन ऑफ मेडिसिन, इन सब पर उन्होंने ध्यान दिया है। मतलब कि आपको इनके रेपर्टरी में ये छह चीज देखने को मिल जाएगा, जिसमें से अगर हम सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों,
डॉक्ट्राइन ऑफ कंप्लीट सिम्टम, डॉक्ट्राइन ऑफ कंप्लीट सिम्टम की अगर हम बात करें तो बोगर साहब का अच्छा खासा फोकस रहा है बोनिंगहोसन साहब के मेथड पे। बोनिंगहोसन साहब का जो मेथड है उनको वो बहुत सही लगा, बस उन्होंने उसमें थोड़ा मोड़ा चेंजेस किया है, जैसे कि सेंसेशन और मोडालिटीज, उसमें भी कॉन्कोमिटेंट्स पे उन्होंने काफी हद तक फोकस किया है, सबसे ज्यादा फोकस किया है। उसके बाद आता है साथियों हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ पैथोलॉजिकल जनरल। डॉक्ट्राइन ऑफ पैथोलॉजिकल जनरल कहने का मतलब होता है शरीर के किसी भाग का स्ट्रक्चरल चेंज, मतलब स्ट्रक्चरल मतलब बनावटी बदलाव, शरीर के बनावट के किसी भाग में जैसे कि टिश्यू है, इस तरह के टिश्यू के लेवल पे किसी तरह का परिवर्तन है तो इसको हम लेकर के चलते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आप समझिए कि एट्रोफी, या आप कह सकते हैं इमेसिएशन, या फिर कंस्टिट्यूशन मतलब शरीर के बनावट में, डिस्चार्जेस क्या निकल रहे हैं, क्या डिस्चार्ज हो रहा है, हेमरेज, टेंडेंसी टू इंड्यूरेशंस, इन्फ्लामेशंस, म्यूकस मेम्ब्रेन अफेक्टेड, मसल्स इन जनरल, ओबेसिटी, कॉर्पुलेंसी, ऑफेंसिवनेस, स्कॉर्ब्यूटिक सिम्टम्स, सेरस मेम्ब्रेन्स, सपुरेशन, स्वेलिंग, साइकोसिस, सिफिलिस, टॉर्पिडिटी, यूरिक एसिड डायथिसिस, सेनिलिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारे एग्जाम्पल्स है आपके पैथोलॉजिकल जनरल के। उसके बाद आते हैं साथियों कॉजेशन, डॉक्ट्राइन ऑफ कॉजेशन एंड टाइम। कॉजेशन एंड टाइम को बोगर साहब ने काफी ध्यान दिया है, उस पर काफी फोकस किया है उन्होंने, और उन्होंने कॉजेशन और टाइम से रिलेटेड जो भी रूब्रिक्स बनते हैं या उससे रिलेटेड जो मेडिसिन निकल करके आते हैं, जो रेमेडी निकल करके आते हैं, उसको उन्होंने ऐड कर बहुत सही तरीके से और बहुत दिमाग लगा करके सोच समझ के ऐड करने का कोशिश किया है और बहुत सही तरीके से अरेंज करने का कोशिश किया है। तो इसलिए कहते हैं उनका जो मानना है कि कॉजेशन ऑफ टाइम, कॉजेशन ऑफ डिजीज या फिर टाइम जो है वो इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं ये पेशेंट को पूर्णता के रूप में दर्शाते हैं। मतलब ये जो टाइम है कि इस खास टाइम में होना, ये पर्टिकुलर चीज भी हो गया, एक पर्टिकुलर आपका एक पिक्यूलियर सिम्टम भी हो गया और पेशेंट की कंप्लीटेंसी को दिखा रहा है, मतलब उसके पूर्णता को दिखा रहा है। उसके बाद आता है साथियों हमारा क्लिनिकल रूब्रिक्स। क्लिनिकल मतलब होता है जो आपको मतलब प्रैक्टिस के दौरान जो बाहर निकल करके आता है, जो नया नया चीज देखने को आता है, और रूब्रिक का मतलब तो आप जानते हैं जो हम रेपेटराइज करने के लिए जो आपके सिम्टम को चेंज करते हैं भाषा को। तो बोगर साहब ने इसमें क्लिनिकल रूब्रिक बहुत सारे ऐड किए हैं जिनमें से कुछ एग्जाम्पल है जैसे कि क्लोरोसिस, कंजम्पशन, कन्वल्सन्स, स्पाज्म्स, ड्रॉप्सी, हाइपोकोंड्रियासिस, पैरालिसिस एजिटेंस, यूरेमिया, अल्सर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरह के रूब्रिक्स को उन्होंने अलग से ऐड किया है। उसके बाद आता है साथियों हमारा कंकोर्डेंसेज। कंकोर्डेंसेज क्या है दोस्तों, बोगर साहब ने बोनिंगहोसन साहब के तरह ही रेपर्टरी के आखिरी में एक चैप्टर इंक्लूड किया है कंकोर्डेंसेज, जिसमें बोनिंगहोसन साहब 148 मेडिसिन को रिलेट किए, 148 मेडिसिन को उन्होंने इंक्लूड किया, वहीं पे बोगर साहब ने मात्र 125 मेडिसिन को इंक्लूड किया है, 125 मेडिसिन को लिस्टेड किया है। उसके बाद आते हैं साथियों हम ग्रेडेशंस पे कि ग्रेडेशंस कैसे की गई हैं। तो उन्होंने ग्रेडेशंस 5 ग्रेड्स दिए हैं बोगर साहब ने, ये तो आप जान ही रहे हैं कि जैसे बोनिंगहोसन साहब ने 5 ग्रेड्स दिए थे उसी तरीका से बोगर साहब ने भी 5 ग्रेड्स दिए हैं। उनमें से जैसे कि आप मान लीजिए 5, 4, 3, 2, 1, तो इसमें से सबसे पहले ये है 5th जो ग्रेड है वो देते हैं, वो किस तरीके से लिखते हैं 5 ग्रेड को कैपिटल लेटर में, कंप्लीट कैपिटल लेटर में, जैसे कि ये है उनका लिखने का तरीका। कैपिटल लेटर में जब लिखा हुआ है तो उसको 5 ग्रेड दिया हुआ है समझिए, 4 ग्रेड को वो बोल्ड लेटर में लिखते हैं, माने ये उनका लिखने का तरीका होता है बोल्ड, इस तरीका से आप समझ सकते हैं, जैसे समझ में आ रहा है हम लिख करके दे रहे हैं आपको, लेकिन आप अंदाजा लगा लीजिए कि बोल्ड जो लिखा हुआ होता है बोल्ड लिखते हैं वो, और उसको दिया जाता है 4th ग्रेड। तीसरा जो ग्रेड उन्होंने दिया है वो उन्होंने दिया है इटैलिक्स को, इटैलिक्स बोले तो तिरछा लिखना, जैसे कि आप यूं समझ लीजिए, जो ज्यादातर मेरा राइटिंग जो रहता है शायद ऐसा कह सकते हैं इटैलिक्स, मतलब थोड़ा सा तिरछा टाइप
लिख करके चलना, उसको कहते हैं इटैलिक्स। तो उसको उस तरीका से लिखा हुआ है, मतलब कि वो थर्ड ग्रेड दिया गया है, तीन ग्रेड दिया गया है उसको। उसके बाद दो ग्रेड जो दिया गया है, दो ग्रेड हो गया रोमन। रोमन आप जानते हैं साथियों कि सीधा सीधा नॉर्मल नॉर्मल लिखा हुआ जो होता है, हालांकि रोमन में हाथ से लिख नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी कोशिश करके देखते हैं। तो इस तरीका से, तो इस तरीका से जो लिखा हुआ होता है वो समझिए कि आपका, और दो ग्रेड उसको दिया गया, और एक ग्रेड दिया जाता है कि यही सेम चीज रोमन ही है, रोमन लेटर में ही लिखा हुआ होता है, बस पैरेंथेसिस यानी कि ये जो कोस्ट है ना, छोटी कोस्ट, ये समझिए कि उसमें आपको देखने को मिलेगा, ये दिया हुआ होता है। तो ये हो गया आपका बीबीसीआर का ग्रेडेशन। उसके बाद आते हैं साथियों टोटैलिटी ऑफ सिम्टम्स पे। दोस्तों बोगर साहब का जो कॉन्सेप्ट है टोटैलिटी ऑफ सिम्टम्स, तो उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट लिखा है जिसमें सात पॉइंट्स हैं। खास करके वो क्या है कि बोनिंगहॉसन साहब के जो टोटैलिटी ऑफ सिम्टम्स या इवैल्यूएशन ऑफ सिम्टम आप कहिए, उनका जो थीसिस है उसको उन्होंने बहुत हद तक एडॉप्ट किया है और उसको फिर से एम्पलीफाई किया है। तो कुल जो सात पॉइंट्स दिए गए हैं वो है जैसे कि चेंजेस ऑफ द पर्सनैलिटी एंड टेम्परामेंट, जो पेशेंट में जो चेंजेस आती हैं पर्सनैलिटी और टेम्परामेंट में, इस चीज को कंसीडर करने के लिए कहा है उन्होंने। अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो है पिक्युलैरिटीज ऑफ द डिजीज, मतलब किसी भी बीमारी का पेक्युलैरिटी क्या है, मतलब उसका कैरेक्टर, मतलब उसमें सबसे खास या भिन्न सबसे अलग चीज क्या है, इस पर भी उन्होंने फोकस किया है, इसको भी वो कंसीडर करते हैं। उसके बाद आता है साथियों सीट ऑफ द डिजीज। सीट ऑफ द डिजीज कहने का मतलब होता है कि बीमारी कहाँ है, उसका बेस क्या है बीमारी का, तो इसको कहते हैं सीट ऑफ द डिजीज। उसके बाद आते हैं साथियों कॉन्कोमिटेंट्स, उसके बाद है कॉज, उसके बाद मोडालिटीज, और सातवां है टाइम। इन सात पॉइंट्स पे बोगर साहब ने पूरा का पूरा फोकस किया है। टाइम आप समझ रहे हैं, टाइम डायमेंशन से मतलब है कि किस टाइम से जुड़ा हुआ जो कोई सिम्टम कोई तरह का इशू होता है उसको टाइम से लेकर के चलते हैं। आगे बढ़ते हैं इवैल्यूएशन ऑफ सिम्टम्स बाय बोगर्स कॉन्सेप्ट। तो बोगर्स कॉन्सेप्ट का जो इवैल्यूएशन ऑफ सिम्टम है वो मैंने ऑलरेडी डिस्क्राइब कर रखा है एक दूसरे वीडियो में, पिछले वीडियो में, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाकर के वहां से देख सकते हैं। ऐसे मोटे मोटे तौर पर मैं आपको बतला दूं कि उसमें कॉजेटिव मोडालिटीज इंक्लूडिंग टाइम है, माइंड है, सेंसेशन है, ऑब्जेक्टिव एक्सप्रेशन ऑफ द सिकनेस है, और पार्ट अफेक्टेड है, मतलब जो अफेक्टेड पार्ट है वो। तो इन पांच पॉइंट्स पे आधारित है उनका इवैल्यूएशन ऑफ सिम्टम्स, जो सिम्टम्स को इवैल्यूएट करते हैं, जो ग्रेड देते हैं। उसके बाद आते हैं साथियों बोगर्स कॉन्सेप्ट ऑफ चूजिंग ऑफ रेमेडी, मतलब कि मेडिसिन कैसे चूज करें इसके लिए। तो इसमें मेडिसिन चूज करने के लिए सबसे ज्यादा जो हमें फोकस करना है वो करना है टोटैलिटी ऑफ सिम्टम पे। तो जैसे केस टेकिंग हमने किस तरीका से किया है, टोटैलिटी ऑफ सिम्टम हमने क्या अक्वायर किया है, क्या हमने लिखा है, क्या रिकॉर्ड किया है, तो उसमें सबसे पहले आता है टेम्परामेंट और पर्सनालिटी में बदलाव, मतलब चेंज इन पर्सनालिटी एंड टेम्परामेंट। तो ये दोनों चीज को ध्यान में रखना है कि इसमें क्या परिवर्तन आ रहा है, क्या उसके समय में परिवर्तन आ रहा है, उसके तेज उत्तेजना में परिवर्तन आ रहा है। तो किसी भी तरह का चेंज पर्सनालिटी और टेम्परामेंट में, इसको हमें जरूर से रिकॉर्ड करना है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट मैंने बताया है वो है पेकुलैरिटी ऑफ डिजीज। पेकुलैरिटी ऑफ डिजीज मतलब हो गया कि जो भी बीमारी है उसमें पेकुलैरिटी क्या है, उसको हमें ध्यान दे करके चलना है। उसके बाद आता है साथियों चूजिंग ऑफ रेमेडी, रेमेडी चुनना, बोगर्स जो कॉन्सेप्ट है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रेमेडी चुनने के लिए क्या है कि हमारे पास जो जो सिम्टम हमने जो इकट्ठा किया है उसी पर हम रेमेडी चूज करते हैं। तो वही बात है कि जो मैंने बताया है कि उनका कॉन्सेप्ट जो है टोटैलिटी ऑफ सिम्टम का, उसी के आधार पर आपको रेमेडी चुनना है। टोटैलिटी ऑफ सिम्टम का उनका जो मेथड है, जैसे कि चेंजेस ऑफ पर्सनालिटी एंड टेम्परामेंट, मतलब टेम्परामेंट और पर्सनालिटी में बदलाव, पेकुलैरिटीज ऑफ डिजीज, बीमारी की जो पेकुलैरिटीज हैं, सीट ऑफ द डिजीज, कंकोमिटेंट्स, कॉज, मोडालिटीज और टाइम। तो बस यही सातों चीज है, इन्हीं सातों पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए आपको उनके पेक्युलैरिटी, जैसा कि आप जानते हैं कि बोगर साहब ने दोनों पर फोकस किया है। जैसे बोनिंगहॉसन साहब कहते हैं ग्रैंड जनरलाइजेशन, वहीं पर केंट साहब कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स या पेक्युलैरिटी। तो बोगर साहब ने बस यही काम किया है कि उन्होंने कहा है कि दोनों को फोकस करना है हमें, इन सात पॉइंट्स के हिसाब से टोटैलिटी ऑफ सिम्टम कलेक्ट करना है
और ध्यान देना है कि किस पर ज्यादा जी, मतलब उनके कहने का यही मतलब है कि एक फिजिशियन को समझना होता है, उसके अंदर ये जज करने की क्षमता होनी चाहिए कि कौन सा जो ये उसका सिम्टम है पेशेंट का वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा विचारनी है, ज्यादा सोचनी है, जिसको हमें ज्यादा ग्रेड देना है। और उन्होंने एक साथ पॉइंट दे दिया है अपना सिम्टम कलेक्ट करने के लिए, और दोनों को मिला करके उन्होंने अपने रूब्रिक्स एक्वायर किए हैं और अच्छा रिपर्टरी बनाने का कोर्सिस किया है। उसके बाद आते हैं साथियों प्लान ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बोगर्स बोनिंगहोसेन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिपर्टरी पे। तो उनका प्लान एंड कंस्ट्रक्शन किस तरह का था, तो जैसा कि मैंने शुरू में भी बतलाया कि बोगर साहब को ये रिपर्टरी लिखने का आइडिया ही इसी से आया कि वो ऐसे तो वो बोनिंगहोसेन साहब के बुक से काफी ज्यादा प्रेरित थे, जैसे कि उनका जो पिछला जो रिपर्टरी था रिपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक्स, तो उससे वो बहुत ज्यादा प्रभावित थे। तो इस सब का यूज करके उन्होंने इस सब को अपने सोर्स में लेकर के और इन सब से नॉलेज इकट्ठा करके उन्होंने इस रिपर्टरी को बनाया। और उन्होंने खास ख्याल रखा कि बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं, जो मूलभूत सिद्धांत है, उसको उन्होंने डायरेक्टली बोनिंगहोसेन से कॉपी किया है, और बाकी उन्होंने फिर अपना जो नॉलेज वो डाल सकते थे वो उन्होंने डालने का कोशिश किया। खास रूप से अगर हम प्लान ऑफ कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसको हम इन भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि अरेंजमेंट ऑफ चैप्टर्स या सेक्शन आप कह सकते हैं, अरेंजमेंट ऑफ सब चैप्टर्स या सब सेक्शन कह सकते हैं, द अरेंजमेंट ऑफ रूब्रिक्स एंड सब रूब्रिक्स हो गया, फिर ग्रेडेशन ऑफ मेडिसिन हो गया। तो इन चार भागों को, इन चार पॉइंट्स को आप प्लान ऑफ कंस्ट्रक्शन में लेकर के चल सकते हैं, जिसमें से सबसे पहले हमारा आता है साथियों अरेंजमेंट ऑफ चैप्टर या सेक्शन, जहां की बोनिंगहोसेन साहब ने अपने रिपर्टरी को 7 मेन चैप्टर्स में बांटा था। उसी तरह से बोगर साहब ने भी अपने रिपर्टरी को 4 अलग अलग चैप्टर्स में बांटा है, जिसमें से अगर हम बात करें पर चैप्टर वाइज, तो सबसे पहले होती है दोस्तों माइंड। माइंड चैप्टर में हमें देखने को मिलता है सेंसोरियम और वर्टिगो। उसके बाद आता है दूसरा जो चैप्टर है वो है पार्ट्स ऑफ द बॉडी। पार्ट्स ऑफ द बॉडी में क्या है कि अलग अलग पार्ट्स, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को एक बाई एक करके चैप्टर वाइज बनाया गया है, एक एक मतलब छोटे छोटे सब चैप्टर आप कह सकते हैं कि सब चैप्टर वाइज बनाया गया है पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। वो इस प्रकार हैं: हेड, उसके बाद आईज, ईयर्स, नोज, फेस, टीथ, माउथ, एपेटाइट, थर्स्ट, टेस्ट, इरेक्टेशन, वाटर ब्रास एंड हार्टबर्न, हिकफ, नोजिया एंड वॉमिटिंग, स्टोमक, हाइपोकॉन्ड्रिया, एब्डोमेन, इंग्विनल एंड प्यूबिक रीजन, फ्लैचुलेंस, स्टूल, एनस एंड रेक्टम, पेरिनियम, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरिन, यूरिनरी ऑर्गन्स, जेनिटालिया, मेल ऑर्गन्स, फीमेल ऑर्गन्स, सेक्सुअल इम्पल्स, मेंस्ट्रुअल, मेंस्ट्रुएशंस, रेस्पिरेशन, कफ, लैरिंग्स एंड ट्रेकिया, वॉइस एंड स्पीच, नेक एंड एक्सटर्नल थ्रोट, चेस्ट, बैक रीजन, स्कैपुलर, अपर एक्सट्रीमिटीज, लोअर एक्सट्रीमिटीज। ये सारे सब चैप्टर्स हैं इसके, आपके पार्ट्स ऑफ द बॉडी के। उसके बाद आता है दोस्तों तीसरा चैप्टर हमारा सेंसेशन एंड कंप्लेंट्स इन जनरल। इसमें हमें देखने को मिलता है ग्लैंड्स, उसके बाद है चैप्टर सब चैप्टर है बोन्स, उसके बाद है स्किन एंड एक्सटीरियर बॉडी। उसके बाद हमारा चौथा जो चैप्टर है वो है दोस्तों स्लीप। स्लीप में बस एक ही चैप्टर आपको देखने को मिलता है ड्रीम्स। उसके बाद हमारा पांचवा चैप्टर आता है साथियों फीवर। फीवर में आपको अलग अलग देखने को मिलता है ब्लड सर्कुलेशन, स्वेट और कंपाउंड फीवर्स। उसके बाद छठा जो हमारा चैप्टर है दोस्तों, छठा चैप्टर देखने को मिलता है कंडीशंस इन जनरल। उसके बाद कंडीशन ऑफ एग्रावेशन एंड एमोल्यूरेशन इन जनरल। उसके बाद सातवें चैप्टर में हम देख सकते हैं साथियों कंकॉर्डेंसेस को। कंकॉर्डेंसेस आप समझ रहे हैं, तो इन सातों चैप्टर्स में पूरे के पूरे रिपर्टरी को उन्होंने बांटा है। उसके बाद आते हैं साथियों एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पे। एडवांटेज और डिसएडवांटेज, या फिर आप इसे मेरिट या डिमेरिट के रूप में भी ले सकते हैं। तो बीबीसीआर के मेरिट्स या एडवांटेजेस जो है उनको हम 6 पार्ट में लेकर के चलते हैं। 6 पार्ट्स में उनको बात करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट जिसमें से आता है वो है सूटेबल इन केसेस वेयर द पार्टिकुलर्स आर डोमिनेटिंग। मतलब कि ये जो है उन केसेस में, उस तरह के केसेस में ज्यादा सूटेबल है जिसमें कि पार्टिकुलर सिम्टम जो है वो हावी होते हैं, वो डोमिनेटिंग होते हैं। इस रेपर्टरी में यानी बीबीसीआर में आपको हर लोकेशन जो है उसमें 3 चैप्टर देखने को मिलेगा, 3 तरह का तथ्य देखने को मिलेगा, जिसमें से है एक पार्टिकुलर सेंसेशन, दूसरा है मोडालिटीज और तीसरा है कॉन्कोमिटेंट, जो कि दोनों ही थेरापेटिक पॉकेट बुक और केंट्स रेपर्टरी दोनों में ही आपको जिस चीज को देखने को नहीं मिलता है। जो कि उसके बाद आते हैं दोस्तों दूसरे हमारे एडवांटेज पे, इंक्लूजन ऑफ मेनी डायग्नोस्टिक रूब्रिक्स विच आर हेल्पफुल इन द रिपर्टराइजेशन ऑफ केसेज वेयर द कैरेक्टरिस्टिक
सिम्टम्स आर लैकिंग। इसका मतलब होता है साथियों कि इस तरह के जो रूब्रिक्स उन्होंने ऐड किए हैं जो कि एक तरह से पैथोलॉजिकल बैकग्राउंड पे आते हैं। इसका मतलब होता है दोस्तों कि बोगर साहब ने अपने रेपर्टरी में डायग्नोस्टिकल रूब्रिक्स जो होते हैं उनको ऐड किए हैं। हालांकि डायग्नोस्टिकल रूब्रिक्स को बहुत ज्यादा कंसिडर नहीं किया जाता है होम्योपैथिक मेडिसिन को चूज करने के लिए, होम्योपैथिक मेडिसिन सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन इनका उपयोग खास वहां हो जाता है जहां पर आपको कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स कम देखने को मिलती है, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम जहां खोजना मुश्किल हो जाता है, पेक्यूलियर सिम्टम जहां खोजना मुश्किल हो जाता है, वहां इसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। अगर हम एग्जाम्पल लेकर के चले दोस्तों तो जैसे है अल्कोहलिज्म, इंटॉक्सिकेशन जो कि माइंड चैप्टर में आपको देखने को मिलता है, या हाइड्रोफोबिया या हिस्टीरिया, इस तरह के जो रूब्रिक्स हैं ये आपको मिल जाते हैं। फिर हाइड्रोसेफेलस है जो कि हेड में इंटरनल में आपको मिल जाता है। फिर एस्टोमेटाइटिस है जो कि माउथ चैप्टर में आपको मिल जाता है। डिफ्थेरिया है जो थ्रोट चैप्टर में मिल जाता है। फिर ग्लोबस हिस्टेरिकस है जो थ्रोट चैप्टर में ही मिलेगा। फिर एसाइट्स है जो एब्डोमेन चैप्टर में मिल जाता है, या फिर आप इसको एसाइटिस भी कहते हैं। हर्निया या इंग्विनल हर्निया जो होता है उसको आप रूब्रिक दिया गया है हर्निया इंग्विनल, ये आपको इंग्विनल एंड ट्यूबिक रीजन चैप्टर में देखने को मिल जाता है। उसी तरह से हाइड्रोसील जो कि जेनिटेलिया स्क्रोटम में आपको देखने को मिल जाता है। प्रेगनेंसी कंप्लेंट्स ड्यूरिंग, इस तरह के रूब्रिक्स आपको जेनिटेलिया स्क्रोटम में देखने को मिल जाएंगे। चेन स्ट्रोक्स रेस्पायरेशन, ये जो है आपको रेस्पायरेशन में मिल जाएगा देखने को। क्रूप, क्रूप जो है ये आपको लैरिंग्स एंड ट्रेकिया में देखने को मिल जाता है। क्रूप आप जानते हैं, क्रूप खांसी। उसके बाद आता है ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस आपको चेस्ट चैप्टर में मिलता है। ट्यूबरकुलोसिस या ट्यूबरकुलोसिस पल्मोनरी, ये आपको चेस्ट चैप्टर में मिल जाएगा। एंजीना पेक्टोरिस, ये आपको हर्ट एंड रीजन ऑफ में मिल जाएगा। गोइटर हर्ट, ये आपको हर्ट एंड रीजन ऑफ में मिल जाएगा। अनीमिया, ये आपको फीवर सर्कुलेशन में मिल जाएगा। एस्फिक्सिया, ये आपको सेंसेशन एंड कंप्लेंट्स में मिल जाएगा। हेमोफीलिया, या ये भी आपको सेंसेशन एंड कंप्लेंट्स में मिल जाएगा। तो इस तरीका से आप देख सकते हैं कि इन तरह के रूब्रिक्स को उन्होंने ऐड किया है। हालांकि डायरेक्टली इन रूब्रिक्स से आपको होम्योपैथिक मेडिसिन चूज करना एक तरह से आप कहें तो सही नहीं भी है, लेकिन जहां पे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स की कमी हो वहां पे इस तरह के डायरेक्ट अगर हमें रूब्रिक्स के हिसाब से मेडिसिन मिले और उसको हम फॉलो करके आगे बढ़ सकें तो बहुत जगह पे ये फायदेमंद होता है। अगर हम तीसरे एडवांटेज की बात करें साथियों, तो इंक्लूजन ऑफ मेनी पैथोलॉजिकल जनरल्स एज रूब्रिक्स, इसमें इसका मतलब होता है कि बहुत सारे पैथोलॉजिकल जनरल को रूब्रिक के तौर पर बोगर साहब ने ऐड किया है। एग्जाम्पल के तौर पर एट्रोफी इमेसिएशन, एट्रोफी या इमेसिएशन, फिर डिस्चार्जेज, हेमरेज टेंडेंसी टू, फिर आपका ऑफेंसिवनेस, फिर टॉर्पिडिटी, फिर यूरिक एसिड डायथिसिस, फिर सेनिलिटी इत्यादि इत्यादि, ये आपको इस तरह के रूब्रिक्स हैं जो कि आपको पैथोलॉजिकल जनरल्स में देखने को मिल जाता है। उसके बाद आता है साथियों चौथा हमारा जो पॉइंट आता है, यूजफुलनेस ऑफ सर्टेन रूब्रिक्स इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, मतलब जो कि कुछ ऐसे रूब्रिक्स जो कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में मिलते हैं उसको उन्होंने ऐड करने का कोशिश किया है। जैसे रूब्रिक आता है इन्फेंट अफेक्शंस ऑफ, जो कि आपको इन्फेंट्स अफेक्शंस ऑफ रूब्रिक सब रूब्रिक चैप्टर में देखने को मिल जाता है, सेंसेशन एंड कंप्लेंट्स इन जनरल में। उसके बाद आता है जैसे मान के चलिए कॉन्स्टिट्यूशन, सेंसेशन एंड कंप्लेंट्स इन जनरल में आपको दोस्तों बहुत सारे रूब्रिक्स मिल जाते हैं एक लिस्ट मेडिसिन के लिस्ट के साथ, इस तरह से बहुत सारे मेडिसिन आपको मिल जाते हैं। उसके बाद ये जो होते हैं ये आपको फिजिशियन को बहुत हेल्प करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के तौर पर किसी रेमेडी को खोजने के लिए। जैसे कि आपको कुछ चैप्टर्स अगर हम एग्जांपल में दें तो माइंड चैप्टर में आपको बहुत सारे रूब्रिक्स देखने को मिल जाते हैं। अगर तुलना हम करें बोनिंगहॉसन से तो बोनिंगहॉसन से कहीं ज्यादा आपको चैप्टर माइंड चैप्टर में देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद अगर हम साथियों बात करें कुछ रूब्रिक्स की, तो जैसे अल्कोहलिज्म हो गया, क्लॉथ हिमसेल्फ इम्प्रॉपरली, इस तरह का रूब्रिक हो गया। ब्यूटीफुल थिंग लुक्स, इस तरह का ये हो गया रूब्रिक हो गया। इंसल्ट्स इमेजिन्स, इस तरह का जो रूब्रिक है, तो ये सब जो है ये आपको कुछ है जो बोनिंगहॉसन में देखने को मिलते हैं और कुछ है कि आपको इसमें दूसरे किसी रेपर्टरी में देखने को मिलता है, और बहुत सारे होते हैं जो कि आपको मिलते नहीं है। इस तरह के रूब्रिक्स आपको काफी सहायता करते हैं आगे ये करने के लिए।
उसके बाद हमारा छोटा है दोस्तों सेपरेट कंकोमिटेंट्स। आप जानते हैं सेपरेट कंकोमिटेंट्स इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बोइनिंगहॉसन जो थेरापेटिक पॉकेट बुक है उसमें कंकोमिटेंट्स को सेपरेटली अलग अलग नहीं दिया गया है, इसमें इन्होंने ईच पार्ट को हर एक पार्ट को अलग अलग सेपरेट करके दिखलाने का कोशिश किया है। यह है हमारा मेरिट्स दोस्तों। अगर हम डिमेरिट्स की बात करें या फिर डिसएडवांटेजेस की बात करें इस बुक की बीबीसीआर की, तो चार में पॉइंट्स आपको बतला रहा हूं इसके डिसएडवांटेजेस के रूप में। हालांकि बोगर साहब ने अच्छा कोशिश किया है और अपने सारे बोइनिंगहॉसन साहब के जो भी डिफिकल्टीज थे उसमें जो खामियां थी उनको पूरा करने की, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ समस्या तो रह ही जाती है, कोई भी परफेक्ट नहीं हो पाता। तो उसी तरीके से मैं चार पॉइंट्स आपको थोड़ा थोड़ा करके बतलाने की कोशिश करता हूं कि क्या डिमेरिट्स हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, जिसमें आपको सबसे पहले देखने को मिलता है लिमिटेड नंबर ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन जो है वो बहुत कम आपको देखने को मिलते हैं, इसमें काफी कम उपयोग की गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि बोइनिंगहॉसन रेपर्टरी में 342 मेडिसिन यूज की गई थी, वहीं केंट्स रेपर्टरी में 642 मेडिसिन थी, बोगर बोइनिंगहॉसन रेपर्टरी में 464 मेडिसिन है। वहीं अगर आप देखें तो सिंथेटिक रेपर्टरी में 1594 मेडिसिन है। सिंथेसिस का जो 9.1 वर्जन है उसमें 2373 मेडिसिन है। तो इनके कंपेरिजन में अगर हम देखें तो काफी कम मेडिसिन हम कह सकते हैं कि इंक्लूड किया गया है। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें दोस्तों तो इसे हम कह सकते हैं डिसएडवांटेजेस इन रिलेशन टू डिफरेंट चैप्टर्स। इसमें ऐसा भी माना जाता है कि जो चैप्टर्स जो हैं उनको हर जगह सही तरीका से नहीं मेंशन किया गया है, हर जगह आपको थोड़ा सा दिक्कत होता है चैप्टर्स खोजने में, जिसके वजह से आपको अपने मनचाहा रूब्रिक्स तक पहुंचने में उसको सर्च करने में थोड़ी सी समस्या देखने को मिलती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हैं कि चैप्टर है माउथ, उसमें सब चैप्टर दिया गया है पैलेट थ्रोट सलाइवा टंग, या फिर इसी तरीके से आप देख सकते हैं चैप्टर है स्टमक, स्टमक में आपको सब चैप्टर देखने को मिलेगा एपिगैस्ट्रियम स्टमक एंड एपिगैस्ट्रियम। उसी तरीके से चैप्टर है हाइपोकोंड्रिया, उसी तरीके से चैप्टर है एब्डोमेन, उसी तरीके से आपको माइंड चैप्टर में भी बहुत कम चैप्टर या सब चैप्टर आप कह सकते हैं कि बहुत कम रूब्रिक्स आपको देखने को मिलते हैं, इसमें कंकोमिटेंट्स भी बहुत कम दिए गए हैं। उसी तरीका से इसमें जो कंकोमिटेंट्स हैं माइंड में, जो कंकोमिटेंट्स हैं माइंड चैप्टर में वो कोई खास उपयोगिता का नहीं देखने को मिलता, वो बहुत ज्यादा वास्ट नहीं है, बहुत डिटेल नहीं दिया गया है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट मेडिसिन जैसे कि काली बाइक्रोम, काली ब्रोम, काली फॉस, नेट्रम कार्ब, थूजा इत्यादि, इन तरह के मेडिसिन को इंक्लूड नहीं किया गया है। कंकोमिटेंट्स का सब चैप्टर नहीं देखने को मिलता है आपको, सब चैप्टर कंकोमिटेंट्स का अनअवेलेबल है। हालांकि इस रेपर्टरी को बनाया ही उन्होंने इस थीसिस के साथ था कि इसमें उन्हें कुछ इस तरह के पॉइंट्स ऐड करने थे, जैसे कि आपका टाइम हो गया, एग्रावेशन एमोल्यूरेशन हो गया, कंकोमिटेंट्स हो गया, इसी तरह के चैप्टर्स को उन्होंने ऐड करने की थीसिस के साथ इसे शुरू ही किया था, इसे बनाया ही था इस रेपर्टरी को। लेकिन हर जगह आपको और खास करके माइंड में कंकोमिटेंट तो कम है ही, उसमें सब चैप्टर आपको अवेलेबल नहीं है कंकोमिटेंट से जुड़े हुए काफी रूब्रिक जो है वो आपको एग्रावेशन में देखने को मिलते हैं, आपको डायरेक्टली सब चैप्टर नहीं दिया गया है कंकोमिटेंट का। उसी तरीका से कंकोर्डेंस चैप्टर में आपको मात्र 125 मेडिसिन देखने को मिलती है बीबीसीआर में, वहीं जबकि थेरापेटिक पॉकेट बुक था टीपीबी था उसमें कि बोइनिंगहॉसन साहब ने 142 मेडिसिन ऐड किए थे। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसमें एक और समस्या क्या देखने को मिलती है कि डिफिनिट पैटर्न यूज नहीं किया गया है रूब्रिक्स को देने के लिए, एक फिक्स एक पक्का एक पैटर्न यूज नहीं किया गया है, जिसके वजह से कि कहीं पे किसी और तरीका से शुरू करते हैं वो चैप्टर्स के सब चैप्टर्स को, वहीं कहीं पे किसी और तरीका से, इसके वजह से आपको रूब्रिक्स खोजने में बहुत समस्या देखने को मिलती है। वहीं बहुत सारे मेडिसिन की कमी भी आपको देखने को मिलती है, बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जिसमें एक या कुछ ही दवाएं दी गई हैं, कुछ ही मेडिसिन को इंक्लूड किया गया है, ये भी एक समस्या है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ले तो एक जो रूब्रिक है म्यूजिक इन डिफरेंस टू, इसमें सिर्फ एक मेडिसिन दी गई है इग्नेसिया, वहीं अगर आप हम देखें ओपन हार्टेड इसमें आपको एक ही मेडिसिन देखने को मिलता है बोविस्टा, वहीं अगर हम देखें प्रोफेजिंग इसमें एक ही रेमेडी है एगेरिकस, अगर अगला देखें सल्की में आपको एक ही रेमेडी है आर्निका। तो इस तरीका से दोस्तों आपको जैसे कि आप देख लीजिए ड्रीम्स ऑफ स्नेक आप अच्छे से जानते हैं कि इसमें जो सबसे टॉप प्रायर मेडिसिन होना चाहिए लाइकेसिस,
वो इन्होंने इंक्लूड नहीं किया, लैगेसिस को इन्होंने इंक्लूड नहीं किया है। जहां तक कि इन्होंने अपने साइनोप्टिकी में इसे इस्तेमाल किया है, अपने साइनोप्टिकी में इन्होंने दिखलाया है, लेकिन इसमें इस रिपर्टरी में उन्होंने इसे नहीं इंक्लूड किया है। उसी तरीके से एक और समस्या क्या देखने को मिलता है कि इन्होंने रूब्रिक्स में क्या किया है कि एक ही जैसा मतलब कि एक ही मतलब का अलग अलग रूब्रिक यूज किया है, जिसके वजह से भी आपको कंफ्यूजन होगा। कहीं पे आपको कुछ और खो देखने को मिलेगा, कहीं पे उसी के बिहाफ में उसी के बदले कुछ और लेटर देखने को मिलेगा, कुछ और शब्द देखने को मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं कि आपका चैप्टर है माइंड, उसमें आपको कहीं कंफ्यूज, कहीं पे है बिफडल्ड, कहीं पे है मडल्ड। अब ये समझना इसमें खोजना मुश्किल हो जाता है। उसी तरीका से confusion in head और वहीं पे कहीं दे दिया गया है muddled। जैसे कि आपको मिलता है females for aggravation, यानी कि aggravation for females। अब ये rubric आपको खोजने के लिए aggravation and amelioration in general में खोजना पड़ता है। उसी तरीका से है in women, या फिर आप इसे rubric लिखते हैं women in। अब ये आपको देखने के लिए भी aggravation and amelioration in general में जाना पड़ता है। उसी तरीका से है fainting, faintness, यानी कि आप अगर रूब्रिक लिखते हैं तो फेंटनेस, फेंटिंग, राइजिंग ऑन। अब ये आपको खोजने के लिए आपको जाना पड़ता है माइंड चैप्टर में, ये जबकि माइंड चैप्टर में होना नहीं चाहिए। उसके बाद अगर हम आते हैं फेंटनेस ऑन राइजिंग डायरेक्टली जब हम खोजते हैं तो आपको सेंसेशन एंड कंप्लेंट्स इन जनरल में देखने को मिलता है। तो इस तरह की कंफ्यूजन बहुत है, इस तरह की त्रुटियां बहुत है, जिसको कि आप डिसएडवांटेजेस में लेकर के चल सकते हैं। उसके बाद अगले पॉइंट पे अगर हम चले, अपने चौथे पॉइंट पे चले दोस्तों, तो इसमें नोसोड्स और सार्कोड्स को बहुत अच्छे से इंक्लूड नहीं किया गया है, बहुत अच्छे से दर्शाया नहीं गया, दिखाया नहीं गया है। हालांकि इस रिपर्टरी को केंट रिपर्टरी के बाद बनाया गया था, फिर भी आपको नोसोड और सार्कोड बहुत बेहतर तरीके से देखने को नहीं मिलते हैं इसमें। तो ये था हमारा बीबीसीआर दोस्तों, आपने समझ लिया। आपके लिए खास बात है कि आप ये इन चीजों को अच्छे से याद कर सकते हैं आप, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो उनका जो ग्रेडेशन जो है उसको कैसे पहचानेंगे कि इसमें उन्होंने 5 ग्रेड दिया है, कहाँ 4 ग्रेड है, कहाँ 3 ग्रेड है। तो ये याद करने योग्य विषय है, इस पॉइंट है, इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।